नमस्कार। इन दिनों में बाजार में हम जाते तो हमें बहुत सारी हरी सब्जियां भी दिखाई देती है और उन्हीं हरी सब्जियों को हम नाश्ते में भी उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा नाश्ता कि जिसे हम लंबे समय तक खाकर एंजॉय कर सकते हैं और साथ में टेस्टी भी है, और ऐसा कह लीजिए कि सभी का मन पसंद है। तो देख लेते हमारा ये कौन सा नाश्ता है और क्या इसके साथ हमने ऐड किया है। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। रोज नई वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना तो बनता ही है। यहाँ पर पहले मैंने 4 हरी मिर्च को रफली कट कर लिया है। तीखापन आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और इसे हम ले लेंगे मिक्सर जार में। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 बंच पालक के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा कर लिया और बिना बॉईल किए ही हम इसे मिक्सर जार में ले रहे हैं। यहाँ पर हमें इसको उबालना नहीं है, डायरेक्ट कच्चा ही है ना। छोटे से मिक्सर जार में जितने पत्ते आएंगे उसे हम पीस लेंगे, उसके बाद एक बार पीस लेंगे, उसके बाद उसी जार के अंदर थोड़ा सा और पत्ते ऐड कर देंगे, ताकि इसके अंदर हमें है ना पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हरी मिर्च और हम पालक को ही पीस रहे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धनिया भी ले सकते हो। तो पालक को हमने बिना पानी डाले बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो मिक्सर जार है ना उसमें अच्छे से नहीं पीस रहा है, तो आप इसको पीसने के बाद एक बार छन्नी से छान लीजिए। अब हम इसमें है ना बेसन ऐड करते जाएंगे और स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ले लेंगे। अब हमने जो पालक की प्यूरी बनाई है ना उसी के साथ ये जो हमारा बेसन है ना उसका आटा लगाना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आटा हमारा अच्छे से चिकना हो जाएगा, उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच तेल, और तेल से इसे बहुत ही अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पालक और बेसन का आटा लगा लिया है, और यहाँ पर मेरे पास ऐसे सेव बनाने वाला साँचा है तो हम इसमें ये आटा भर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसे हेल्दी भी कह लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर ऐसा बेसन और आयरन से भरपूर ऐसी पालक का हम बना रहे सेव। जो पालक सेव आप बाजार से लाते हो ना, सेम वैसी ही सेव ये बन जाएगी। पर देखिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये सेव जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना ऐसी डार्क बन जाएगी। ऐसा कलर ना करना हो तो हमें गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है। अब देखिए एकदम परफेक्ट हरा कलर के लिए मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम ही लो कर दिया है। थोड़ा सा भी हाई रखेंगे ना तो पालक जो है अपना कलर तुरंत छोड़ देती है। देखिए एकदम परफेक्ट कलर, और एकदम धीमी आंच पर हम इसे तलेंगे तो बहुत ही अच्छे से एकदम करारी जो बाजार से हम लाते हैं ना, ऐसी ही हमारी ये पालक सेव बन जाएगी। और वो भी बिना कलर, बिना कोई प्रिजर्वेटिव, बिना कोई एसेंस, ना तो हमने इसके अंदर कोई ग्रीन कलर को ऐड किया है। तो आप भी एकदम इंस्टेंट सा और बहुत ही ज़्यादा सब्जियों से भरपूर वाला ऐसा नाश्ता बनाइए, और एक बार बनाकर आप इसे चाहे तो महीने भर एंजॉय करिए। पर भाई ये महीने भर टिकेगा ही नहीं, उसके पहले ही घर में सब इसको ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।